न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नमस्ते, आप सबको मेरे संत योगा योग चैनल में स्वागत है। हम इस चैनल में योग के द्वारा हम अपनी जिंदगी को और अच्छा कैसे बनाते हैं इस विषय में या इससे जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने जो श्लोक बोला वो एक संस्कृत का श्लोक है। इस श्लोक का भावार्थ है, ऐसे लोग जिनके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सील नहीं है, अच्छा गुण ऐसा अच्छा चरित्र नहीं है और तप नहीं है, जो कि निष्ठापूर्वक कोई काम को अच्छी तरह से करें, ऐसे लोग पृथ्वी पर एक भार के समान है। जैसे कि आपने देखा होगा पत्थर कहीं पर रखा रहता, वो पत्थर क्या करता, वो केवल पृथ्वी पर एक भार है, तो वो एक पत्थर के समान होते हैं और वो दिखने में मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एक मृग जो कि हिरण के जो एक जानवर है। सो वो लोग दिखने में मनुष्य जैसे हैं लेकिन वो एक जानवर है। अब जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य हम सब लोग पहले जानवर थे, वहां से क्रमिक विकास होता गया और इस क्रमिक विकास की प्रक्रिया में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि हम जानवरों से अलग स्थिति में आ गए हैं। उसके कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमको जानवरों से अलग बनाता है। उनमें से एक लक्षण है रस। भारत में 9 रस की परिकल्पना है। इन रसों में है जैसे कि श्रृंगार रस, प्यार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, विभत्स, डर, भय और वात्सल्य, या फिर ध्यान या समाधि का सुख। सो इन सभी रसों को हम अनुभव कर पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। इनमें से कुछ रस जानवर अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उनका इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन हम ये सभी अनुभव कर सकते हैं। तो इनमें ध्यान, वात्सल्य या समाधि से जुड़ा हुआ जो रस है, जो सुख है, इसकी अनुभूति के लिए हमें योग का अभ्यास आवश्यक है, जो कि हम इस चैनल में जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करके और अभ्यास करते हैं। तो इसी क्रम में वात्सल्य एक रस की परिकल्पना है। अब वात्सल्य की बात अगर हम करते हैं, जिसमें माँ और पिताजी का अपने बच्चों के प्रति कैसा अनुभव रहता है, इस विषय में बात करते हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, अभी मैं जब उनके प्रति जो अनुभव, उनको जब देखता हूं, उनको जो देखने से जो मुझे सुख मिलता है उनको, ये मैं अभी इसको अनुभव कर पाता हूं। जब मैं इसको अनुभव करता हूं तब मुझे ध्यान आता है, मैं स्वयं छोटा था उसमें अगर मेरे माँ पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो मुझे कभी कभी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैंने हमेशा अनुभव किया है कि उनका मेरे प्रति जो व्यवहार है वो कभी नहीं बदला, हमेशा प्रेम का, एक बहुत ही प्रेम का अनुभव रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई ऐसा प्राणी है जो मुझसे प्यार की पराकाष्ठा तक मुझसे प्यार करते हैं तो वो है मेरे माँ और पिताजी। और इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि क्या होता है वात्सल्य। और ये सब हम इसलिए समझ सके हैं कि हम इस चीज को जानते हैं और आप लोगों में से जो भी माँ बाप हैं वो भी समझते हैं कि वात्सल्य का सुख क्या है। और इसी क्रम में भारतवर्ष में जब भी हम वात्सल्य की बात करते हैं तो कवि सूरदास जी ने माँ यशोदा और श्री कृष्ण भगवान के बीच की जो
लीलाओं का वर्णन अद्भुत है। उसको केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इतने सक्षम हो। तो इस विषय में अभी कुछ समय पहले मीडिया में एक समाचार आया जिसमें सद्गुरु महाराज माता यशोदा और कृष्ण के संबंध में बात कर रहे थे। देखिए वो वीडियो क्या है। She just loved him. So Yashoda's relationship with Krishna grew. That she also became one of the gopis. She was also part of the Ras. जैसा कि आप अपने इस वीडियो में देखा, उसके बाद इस वीडियो पर मीडिया में कुछ एडिट किया गया और इसको अलग तरह से प्रस्तुत किया गया। उस पर देखिए सद्गुरु महाराज का क्या रिएक्शन है। ये 8 दिनों का एक अंतरंग कार्यक्रम है, कई बातें कही गई हैं। वो एक वीडियो लेते हैं और उसे बदमाशी से एडिट करते हैं और ऐसा बना देते हैं जैसे कोई बहुत ही गलत बात कही गई है। गलत बात से उनका मतलब ये है, मैं बात कर रहा हूं कृष्ण और यशोदा की, जिन्होंने मां के रूप में उनका पालन किया। और मैं कहता हूं कि शुरुआत में हालांकि वो एक मां के रूप में वहां मौजूद थीं, पर कुछ समय के बाद वो उनकी प्रेमी बन गईं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग जो कि समझ नहीं सकते कि वात्सल्य क्या है, जो क्रमिक विकास में पीछे रह गए हैं, उनके लिए प्यार, प्रेम, श्रृंगार रस ये एक जानवरों का प्यार है। अगर हम एक प्यार की परिकल्पना करते हैं तो हम अलग तरह के समझ सकते हैं, किंतु अगर एक जानवर प्यार करता है तो उसकी एक अलग ही परिकल्पना है। तो ऐसे लोग जो क्रमिक विकास में पीछे रह गए हैं, उनका बुद्धि का, उनका मस्तिष्क का, या उनका विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि वो इस चीज को समझ नहीं सकते, तो उनके लिए प्यार मतलब जानवरों का प्यार। तो ऐसे लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस यही कामना कर सकते हैं। इसके साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी परिकल्पना के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने सगे संबंधियों के साथ देखिए, उनको शेयर कीजिए और उनको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी के साथ नमस्ते, प्रणाम।